ये कहानी है बहादुर जापानी सैनिक की, जिसने वर्ल्ड वॉर टू समाप्त हो जाने के बाद भी 29 सालों तक अपने देश के लिए युद्ध जारी रखा और अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को किसी भी हालत में नहीं तोड़ा। इसका नाम है हीरो ओनोडा, जिन्होंने जापानीज आर्मी के लिए काम किया था। इन्हें ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि जब तक मिलिट्री से कोई लेने उसे नहीं आता, तब तक उसी जगह पर रहना है। वॉर 1945 खत्म हो चुकी थी, पर हीरो ओनोडा को इसके बारे में पता नहीं था। उनको लगता था कि अभी भी वह वॉर जोन में हैं। उन्हें जंगल से निकालने के लिए हवा से कई सारे लीफलेट गिराए गए, लेकिन इतना ही नहीं, इनके भाई ने जाकर के कहा, फिर भी वो बाहर ना निकले। जिसके बाद खुद वही कमांडिंग ऑफिसर ने जाके बताया कि वॉर खत्म हो चुकी है, अब बाहर आ सकते हैं। तब 1975 को वो आखिरकार बाहर आए। अगर ये आपको दिलचस्प लगा तो डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।